नमस्कार दोस्तों एक लर्निंग स्टेटमेंट से शुरू करूँ ये वीडियो द गोल इज टू ट्रांसफॉर्म डेटा इंटू इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटू इंसाइट यानी कि बिजनेस में आपका एम ये होना चाहिए कि डेटा से ड्रिवन इंसाइट मिले जिसको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन की तरह आप यूज करें और इनसाइट निकालकर उससे इंप्रूवमेंट्स लाएं नमस्कार मैं हूं समृति ग्रोवर प्रोफेसर बड़ा बिजनेस और मैंने ये वीडियो जो है एक गोल्डन स्टेटमेंट से क्यों शुरू की क्योंकि इंफॉर्मेशन और इनसाइट की पावर को समझना बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है और यही सिखाएगी हमारी ये लर्निंग सारथी की जो समरी वीडियो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स मार्केट रिसर्च पर तो मार्केट रिसर्च के तरीके समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि रिसर्च आखिर होती क्या है आसान भाषा में अगर कहें तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी विषय पर नॉलेज गेन करते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि रिसर्च का मेथड क्या था उसे स्टडी करते हैं उससे एनालाइज करते हैं और फिर उससे हम अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स करते हैं आउटकम्स प्लान करते हैं इससे आपको कई सारे फायदे होते हैं जैसे आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन है आपको पता चलता है आपके करंट कस्टमर की और इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कितना इफेक्टिव हो रहा है आपका मार्केटिंग कैंपेन कस्टमर के माइंड में ये आपको पता चलता है आपकी प्रोडक्शन की साइकिल क्या हो सकती है सेल्स के गोल क्या होने चाहिए ये सब आप डिफाइन कर सकते हैं आपके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में ये आपको थोड़ा अंदाजा हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है इसका आइडिया आपको इससे मिल सकता है प्रोडक्ट की लॉन्च कहाँ होनी है कैसे होनी है ये रिसर्च से पता चल सकता है बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ से आएगी ये रिसर्च में पता चलता है अपने कॉम्पिटिशन को आप मॉनिटर कर सकते हैं नई अपॉर्चुनिटीज क्या है ये सब आपको पता चलता है पर अहम सवाल यह है कि मार्केट रिसर्च करना कैसे है इसके करने के दो मुख्य तरीके होते हैं प्राइमरी जिसे आप खुद फील्ड रिसर्च भी कहते हैं जिसमें आप खुद इंटरव्यूज लेते हैं सर्वेस करते हैं पोल्स की मदद से रिसर्च करते हैं यानी डायरेक्ट एंड यूजर का फीडबैक या नॉलेज आपको मिल रहा है और दूसरा तरीका होता है सेकेंडरी रिसर्च जिससे आप डेस्क रिसर्च भी कहते हैं इसमें आप न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, किताबें कोई पब्लिकेशन कोई और सोर्सेस की मदद से रिसर्च कर सकते हैं ये सारे तरीके हमने अपने इस कोर्स में आपको बड़ी विस्तार में समझाए हैं तो एक नजर डालते हैं कि इस कोर्स में हम टॉपिक्स क्या क्या कवर कर रहे हैं कोर्स की शुरुआत हमने की है मार्केट रिसर्च का पूरा प्रोसेस क्या होता है ये आपको बताकर और ये कितने प्रकार के होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के फंडामेंटल यानी कैसे आपका कंज्यूमर रिएक्ट करता है बिहेव करता है उसको इवेल्युएट कैसे करना है आपने और मार्केट रिसर्च कैसे कंडक्ट कर सकते हैं ये डिसीजन प्रोसेस कंज्यूमर का क्या होता है इन सारी बातों को डिस्कस किया है साथ ही छोटे और मध्यम वर्ग के जो बिजनेसमैन होते हैं एंटरप्राइजेस होते हैं वो किस तरह की मार्केट रिसर्च कर सकते हैं हमारा अगला टॉपिक इसमें है रिसर्च फॉर सेल्स मतलब आप मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करके अपने सेल्स फोरकास्ट को कैसे कर सकते हैं ये भी हमने आपको बताया है फिर रिसर्च ऑन कॉम्पिटिशन यानी कॉम्पिटिशन को मार्केट रिसर्च से आप कैसे स्टडी करें उनकी स्ट्रेंथ क्या है उनकी वीकनेस क्या है उसकी सारी जानकारी आपको पता चलती है मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं इतना ही नहीं हम आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज से जुड़ी भी रिसर्च के विषय में बताते हैं जैसे कि ए बी टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है पैकेजिंग डिजाइन रिसर्च कैसे कर सकते हैं प्रमोशन के लिए आपको किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए एडवर्टाइजिंग मीडिया कैसे सेलेक्ट करना है सेल्स टेरिटरीज कैसे स्टैब्लिश होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या रिसर्च करते हैं क्या क्या मेथड्स होने चाहिए ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है हम आपको रिसर्च प्राइसेस पर भी बताते हैं जैसे कि डिमांड इलास्टिसिटी परसीव प्राइस कॉस्ट एनालिसिस इन सभी टॉपिक्स को समझ के कैसे आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च कैसे कर सकते हैं जैसे अगर आप रूरल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो रिसर्च कैसी होनी चाहिए अर्बन मार्केट को कर रहे हैं तो वो कितनी अलग होती है रिटेल सेक्टर में अगर आप कर रहे हैं तो वो रिसर्च कैसी होती है और अगर आप सर्विस सेक्टर के हैं तो उसमें आपको कैसी रिसर्च करनी है कितने प्रकार के रिटेल में शॉपर होते हैं, हैं करते वक्त क्या बातों का ध्यान रखना है। इस में इस सारी खास आपके लिए की गई हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने हमारी पहली एक्सपर्ट है कौर, जो e. College में प्रोफेसर है। इसके साथ वो एक ऑथर भी है कॉपरेट ट्रेनर भी है और कम्युनिकेशन कंसल्टेंट भी है कोर्स में दूसरे प्रोफेसर हैं मीना वर्मा जी जो बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है पर इन्हें आठ साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है कंपनीज को रिसर्च और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करने में तो ये नया और अनोखा कोर्स जिसे देखने के बाद हम ये दावा कर सकते हैं कि सिर्फ आप मार्केट रिसर्च के बारे में सारी जानकारी हासिल नहीं करेंगे बल्कि सही तरीके से कॉस्ट इफेक्टिवली उसे इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए तो इस कोर्स को जरूर देखिए क्योंकि बिजनेस में या हर एक चीज में रिसर्च करना वो बहुत जरूरी होती है अगर आपने अपने गोल को अचीव करना है मैं आशा करती हूं आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि यह कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हैं जो ज्यादातर मार्केट में नहीं बताई जाती इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद